नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। बहुत ही बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कर्क राशि वाले लोगों के लिए व्यापार कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको बताने वाले हैं। तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति करवा हैं, और आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रह सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना हो सकते हैं, आपके लिए शुभ और बेहतर किस प्रकार से होनी है, आपको बताएंगे आज आपको कौन से महत्वपूर्ण कामकाजों को अंतिम रूप देना पड़ सकते हैं, और आप किस प्रकार जीवन में समस्याओं को दूर किया जा सकते हैं, आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार से खत्म होनी है, और किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही पूर्ण रहने वाला है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आ रहे हैं, आपको पूरा देखिएगा, आपको बताना चाहेंगे ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में आ रही परिस्थितियों में बड़ा ही सुधार हो सके, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। और मित्रों, आपको बताना चाहेंगे, मित्रों आप सभी जो भी माता रानी के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, वो सारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसके नाम से कुछ जय जयकार जरूर कर दें, जो कि आपको दबलता दे सकती हैं, बेहतर तरीके से निर्माण कर सकती हैं और शुभ हो सकता है और बेहतर हो सकता है। आपके ये दो बातों का रखना है ख्याल, जो कि आपको बहुत ही बड़ा संकटों से आपको बचाने वाली है, तथा आपके लिए बेहतर तरीके से आपके बुरे दौर शुरू होने वाले हैं, आपका खेल खत्म होने वाला है। शनिदेव और बजरंगबली साथ ही मिलकर आपकी जिंदगी ही बदल डालेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। उन भावनाओं को पहचाने जो आपको प्रेरित करती हैं, डर शंका और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ें, क्योंकि ये विचार जो हैं उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो कि वो आप नहीं चाहते हैं। अनचाह कोई मेहमान आज आपके घर पर आ सकते हैं, जिससे आने से आपके घर के उन सामानों पर भी खर्च करना पड़ सकता है जिनको आपके अगले महीने ही ताला हुआ था। आज ज्ञान और हाथ पर हाथ आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपका महबूब आज आपको काफी बड़ी खूबसूरत करने वाले हैं, खूबसूरत कुछ खास करके चौंकाने वाली हैं। व्यवसाय के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। आपके चाहे तो परेशानियों को मुस्कुरा कर दरकिनार कर सकते हैं, या उसमें फंस कर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ यही खास है आज, जो कि आपको बेहतर परिणामों को दे सकते हैं। आप जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, आपके सपने जो है वह भी पूरे होते हैं। सपने तो ऐसे भी ये सभी इंसानों के पूरे होते हैं, सपने पूरे होने का एक दिन आता है। आज के दिन में शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है, आपको अपने प्रति कुछ नया करने की इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। भाग्य का सितारा प्रबल है, अपने कार्य के प्रति आपका उत्साह जो है आपके अवश्य ही सफलता बनाने वाली है। ये प्रियजन के मुलाकात भी हो सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला लेने से दिक्कतें आने वाली हैं। ज्यादा रोक टोक की वजह से बच्चे विरोधी हो सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना ही जरूरी होगा। समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं, जिससे और अधिक बात में विश्वास उत्पन्न होगा। इस समय साझेदारी में व्यवसाय संबंधित निर्णय लेना लाभदायक रह सकता है। मेडी टेंशन कंपनी काम वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने से ज्यादा ध्यान को एकग्रह कर सकते हैं। छोटी सी बात या पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आपकी सूझबूझ से समस्या भी हल हो जाने वाली है। उन्हें कोई भी अच्छा उपहार न दे किसी के समय मानसिक तनाव भी बढ़ सकते हैं। शांत रहने का प्रयास करें, तथा टेंशन में भी कुछ समय व्यतीत करना आवश्यक होगी, क्योंकि बेहतर होगा फिर से आपके ऊपर उदासीनता और नकारात्मक हावी हो सकती है। पर इतना ही है कि इस बार दोस्ताना आप दोनों बातों में इस बार अधिक जागरूक होगी, अपने अंदर के नकारात्मक मिटानों के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। खुद के अंदर सकारात्मक को दिखाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। काम से संबंधित तकलीफ होंगी, रिलेशनशिप जो है लेकर उदासीन रह सकते हैं, आपका ठीक ठाक करने की कोशिश रह सकती है।